हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? वीडियो जो मैंने अपलोड की है इससे पहले आप लोग ने देखी कि नहीं? अच्छा लग रहा है? चलिए, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? ओके गाइस, हम लोग का टॉपिक एलिमेंट और मैकेनिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि मैकेनिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है? तो आज का टॉपिक जो हमने पहले पढ़ रखा है वो आज का नया टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, कन्वेंशनल सोर्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो कन्वेंशनल सोर्स पहले समझ लीजिए, कोल होता है, वाटर होता है, न्यूक्लियर होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, नेचुरल गैस होता है, ये सब हमारे कन्वेंशनल सोर्स होते हैं। ये सब हमारी कन्वेंशनल सोर्स होती हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, ठीक है? ये एनर्जी जो है ये नॉन रिन्यूएबल है, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीज़ होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, दोनों आप लोग को मैं बताता हूँ। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो चीज़ होती है जिसका हम यूज़ एक बार कर लेते हैं तो बार बार उसका यूज़ नहीं कर सकते, अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसका यूज़ अगेन दोबारा नहीं कर सकते, वो हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वही हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोलर है, विंड है, ओशन है, टाइडल है, जियो थर्मल है, ठीक है? अब हमको ये पता चल गया कि कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ये चारों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज मतलब फ़ायदा होता है, डिसएडवांटेज मतलब इसके क्या नुकसान है, ठीक है? तो पहला क्या है, ईजली अवेलेबल इन नेचर, मतलब ये हमको आराम से नेचर में मिल जाता है। और इसके क्या है, अवेलेबल इन राज मैक्सिम, जितने हमको क्वांटिटी चाहिए उतने में हमको मिल जाएगा, और ये पोल्यूटेड नहीं होता, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी हमारी कम होती है, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज में चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं नॉन कन्वेंशनल के, ये अवेलेबल लो इंटेंसिटी पे होता है और ये हमको कुछ ही पीरियड, कुछ ही समय के लिए मिलता है, ठीक है? और ये इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है। फिर हम आते हैं कन्वेंशनल की तरफ आते हैं, तो कन्वेंशनल में एडवांटेज क्या है, थर्मल एफिशिएंसी इज मोर, इसकी थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी अधिक होती है। फिर उसके बाद सेकेंड में आते हैं तो इसका क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, ठीक है? अब डिसएडवांटेज में आते हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होता है, और दे आर पोल्यूट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देती है, ठीक है? ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब बेसिकली लास्ट है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, जो कि मैंने पहले भी बता दिया, रिन्यूएबल जो कि हम लोग एक बार यूज़ कर सकते, एक बार करके बार बार भी कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल एक बार करने के बाद हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों में अंतर आपको क्लियरली समझ में आया होगा आई थिंक। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, ओके, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, अगर ये स्टेप स्टेप वाइज देखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी, स्टेप बाय स्टेप मूव करें और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार देख लेंगे दिमाग में आपके बैठ जाएगी वो चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय।